नमस्कार बच्चों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इसके दो लेक्चर कर चुके हैं अपलोड हम यहाँ पर, और ये हमारा एनर्जी का थर्ड पार्ट है, ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी ट्रांसफर का भी है और एनर्जी कंजर्वेशन का। यहाँ पर हमको ये समझना है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न। एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में हम स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे एनर्जी को न तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और न ही हम यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफर्ड, है ना, ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये ट्रांसफर हो सकती है, ट्रांसफॉर्म हो सकती है, लेकिन ये नष्ट नहीं हो सकती और ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखो एक बार, जैसे हमने देखा था कि एक हमने इस तरह का कोई ये तीर और धनुष देखा था। जब हम इसको खींचते हैं यहाँ पर, जब हम इसको खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर खींचने पर इसमें कौन सी ऊर्जा आती है, स्थितिज ऊर्जा आती है। हमने क्या बोला था, प्रत्यास्त ऊर्जा ना, स्थितिज ऊर्जा। खिंचाव के कारण ऊर्जा होगी वो स्थितिज ऊर्जा होगी। जैसे जैसे हमने इसको खींचा, इसकी प्रत्यंचा जो बोलते हैं इसको, उसको हमने खींचा रस्सी को, इसके धनुष की रस्सी को, उतना क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा आएगी। और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो इस तीर में क्या आ गई, एरो में गति आ गई। तो ये स्थितिज ऊर्जा जो आई थी वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई। अब ये गतिज ऊर्जा जाके कहीं ना कहीं स्थितिज ऊर्जा में वापस होगी और वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में ही। तो ये क्रम चलता रहता है, पहली एनर्जी दूसरी में और दूसरी एनर्जी फिर वापस पहले में। तो ये एक क्रम चलता है, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी कन्वर्जन, ऊर्जा का रूपांतरण। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक आज का है ऊर्जा संरक्षण का, मतलब बस इतना सा है कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न, इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरी से ज्यादा हमको यहाँ पर प्रैक्टिकल देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखने पड़ेंगे। तो ऊर्जा रूपांतरण के हम उदाहरण देखते हैं। तो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल मतलब यहाँ आपके एग्जाम में एग्जाम्पल ज्यादा पूछेंगे कि आपको बोल देंगे कि बैटरी में क्या होता है, इसमें कार में क्या हो रहा है, लाइट में क्या हो रहा है, सितार में क्या हो रहा है, गिटार में कौन सी ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो एक बार आप कि जहाँ पर भी फूड आ जाए, ध्यान रखना, फूड आ जाए, फ्यूल आ जाए, जहाँ पर भी ईंधन आ जाए, भोजन आ जाए, तो वो केमिकल, तो ये रासायनिक ऊर्जा। देखो किसी व्यक्ति ने एप्पल खाया और एप्पल खाकर वो साइकिल चलाने लग गया, तो क्या हुआ, पहले उसने खाना खाया, तो जब वो भोजन करेगा तो उसकी केमिकल ऊर्जा, और वो केमिकल ऊर्जा वो साइकिल चला रहा है तो वो किस में लग गई, वो यांत्रिक ऊर्जा में, ध्यान रखना। ठीक है, एग्जांपल देखो, बैटरी है, कोई सेल है, सेल को आपने टॉर्च में डाला, तो सेल में कौन सी ऊर्जा है, केमिकल, रासायनिक ऊर्जा, और वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, अब बताया कि बैटरी में, हमको बताया कि बैटरी क्या देती है, लाइट, तो ये लाइट बदल गई। तो देखो पहले कौन सी एनर्जी थी, केमिकल, वो केमिकल एनर्जी किस में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा। अब देखा होगा कि यहाँ पर और एग्जांपल देखते हैं इसमें, जैसे आपने प्लग देखा होगा, आपने इसमें कोई विद्युत बल्ब देखा होगा, या तो बल्ब में क्या होता है, बल्ब में आप जो इलेक्ट्रिसिटी देते हो, क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल जाती है, बल्ब से हमको क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो प्रकाश में। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें उष्मा भी मिलती है, तो उष्मा भी लिख सकते हो, हीट भी लिख सकते हो, तो बल्ब से हमको लाइट भी मिलती है और हीट भी मिलती है, तो ये दोनों में बदल जाएगी। ठीक है, आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, तो वो क्या है, मैंने क्या बोला, फूड एंड फ्यूल एंड बैटरी, तो फूड होगा, फ्यूल होगा, ईंधन होगा, वो हमेशा रासायनिक ऊर्जा में आएगा। तो आपने गाड़ी में ईंधन डलवाया, पेट्रोल डलवाया, तो वो क्या हो गया, वो रासायनिक, और फिर क्या हो गया, आपने गाड़ी स्टार्ट की और आप चलने लगे, तो गाड़ी को आपने चलाया, चलाया तो गाड़ी में क्या आ गई, गति आ गई, इसका मतलब वो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा, मतलब रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा। और देखते हैं, सूर्य से प्रकाश आया, और प्रकाश आके प्रकाश ने क्या किया, भोजन बनाया, कैसे भोजन बनाया, आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, आपको बताया कि सूर्य से आने वाला प्रकाश, ठीक है, वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से यहाँ पर भोजन बनाता है। ठीक है, पौधे भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो
भोजन क्या हो गया? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, तो ये विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा। और देखो एक बार, आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, एक जो टोस्ट वगैरह होते हैं आप देखा होगा, तो उसमें यहाँ पर क्या है, हीट है। यहाँ पर क्या है, हीट। तो हीट में क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि हीटर भी, मान लो हीटर हो गया और हो गया, या ये आपने देख लिया कि जो ये टोस्ट वाला है, तो ये भी क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा। यहाँ पे लाइट नहीं दे रहा, यहाँ पे क्या दे रहा है, ये ऊष्मा। यहाँ पे हीटर भी आ सकता है, जैसे मान लो कोई हीटर हो, हीटर भी क्या करता है, हीटर भी विद्युत ऊर्जा को, हीटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे। हम जितने भी हम उपकरण देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में, हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, जितने भी उपकरण देखते हैं, वो किसी न किसी ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरण कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल बताऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बस देखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑल आउट, ऑल आउट देखा होगा, या ऑल आउट क्या करता है, आपने देखा होगा प्लग में लगाते हो मच्छर भगाने के लिए, तो प्लग में लगाया आपने ऑल आउट को, और ऑल आउट से क्या निकल रहा है, गैस निकल रही है, और ये मान लो प्लग में लगा दिया ऑल आउट को आपने। ठीक है, ये ऑल आउट है, मान लो ये प्लग में लगाया, इसका मतलब प्लग में लगाया आपने, तो इसमें कौन सी ऊर्जा मिली, विद्युत ऊर्जा। और इस विद्युत ऊर्जा से आपको पता है कि ये एक गैस निकल रही है यहां से, तो वो क्या हो गई, रासायनिक ऊर्जा। तो आपको इस तरह से दिमाग में रखना है, कुछ भी उदाहरण हो सकता है इसका, कोई फिक्स उदाहरण नहीं है कि यही एग्जाम में आता है। तो अगर आपको बोल दे कि जो मच्छर भगाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, जो रिफिल है, ऑल आउट रिफिल है, तो वो क्या है, उसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी दी, प्लग में लगाया, मतलब विद्युत विद्युत ऊर्जा है, और वो विद्युत ऊर्जा क्या हो गई, रासायनिक ऊर्जा में बदल गई, और आपको ये मच्छर वगैरह मार गए। ठीक है, तो ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है। और देखते हैं हम, देखो रासायनिक ऊर्जा हम एक इसमें लेते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहाँ कहाँ पे कैसे कन्वर्ट होती है, तो मैं इसमें खूब सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, आपका एक इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपके, कॉन्सेप्ट की एक्चुअल में कि ये एनर्जी कन्वर्जन है क्या। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो कि ये कोई रासायनिक ऊर्जा है, जैसे मान लो ये डीजल है, पेट्रोल है, कुछ भी मान लो, इससे क्या किया हमने, इससे हमने यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेट्रोल से डीजल से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमने क्या किया, हमने गाड़ी चला सकते हैं। आजकल आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है, देखो पेट्रोल से डीजल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो ना, और उस इलेक्ट्रिसिटी से आप जो क्या कर सकते हो, गाड़ी चला सकते हो, क्योंकि आजकल वो चार्जिंग वाले व्हीकल आ रहे हैं, स्कूटी आ रही है, गाड़ी आ रही है, जिसे आप चार्ज कर सकते हो। दूसरा, इस केमिकल से आप डायरेक्ट चला सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट चला सकते हो, आपने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, ज्यादातर गाड़ियां वो डायरेक्ट चलती है, डीजल डलवाया और आप रवाना हो गए। दूसरा, आप इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, इस रासायनिक ऊर्जा से विद्युत बना सकते हो, और विद्युत से आप क्या कर सकते हो, देखो एक बार, विद्युत से आप फिर आप देखो, चाहे आप स्पीकर चलाओ, चाहे आप प्रकाश देखो, आप टीवी चलाओ, चाहे आप बल्ब जलाओ, ट्यूबलाइट जलाओ, हीटर चलाओ, कुछ भी काम करो ना, तो आपको समझ में आ गया रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का फिर दूसरी ऊर्जा में। ठीक है, आप इस फ्यूल से, रासायनिक ऊर्जा से आप क्या कर सकते हो, आप रॉकेट उड़ा सकते हो, रॉकेट में काम आ रहा है, फ्यूल तो आता ही है काम, चाहे कैसे फ्यूल काम आओ, लेकिन फ्यूल आता है काम। तो यहाँ पर केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा में सब कुछ हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो रॉकेट उड़ रही है, तो रॉकेट उड़ रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, मैकेनिक। दूसरा, फूड है, फूड को आप देखो, खाना खाया आपने, तो इसका मतलब कौन सी एनर्जी ली, केमिकल। और अगर आप दौड़ लगाने लग गए, तो वो किस में चेंज हो गई, एनर्जी टू वर्क, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। तो खाना खाया मतलब कौन सी हो गई, भोजन क्या हो गया, रासायनिक ऊर्जा, और भोजन करके दौड़ लगाने लग गया तो फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। ठीक है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाया तो रासायनिक ऊर्जा, और फिर गाड़ी चलाने लग गए तो यांत्रिक ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, बात एक ही। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आप एनर्जी ट्रांसफर। ये मैं इमेजेस के थ्रू इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वरना मैं 10-15 एग्जाम्पल लिखा के ये पूरा खत्म नहीं करना चाहता मैं,
यहाँ पर आपको एक अच्छा व्यू मिलेगा आपको कि हाँ इस तरह के एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है। एक एग्जांपल नहीं, इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं और कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम वाला। दूसरा आप देखो, यहाँ पर भी देखो एक बार, जैसे केमिकल एनर्जी, कुछ और देखते हैं इसमें केमिकल एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। जैसे इससे आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो ऑब्वियसली। जैसे आपने क्या किया कि आपके पास बैटरी है, लाइट चली गई, बैटरी है, तो ये जो आप विद्युत के रूप में काम ले सकते हो। आपने देखा होगा ना इन्वर्टर क्या है, ये मान लो इन्वर्टर के रूप में काम में ले रहे हैं। इस इन्वर्टर से, जैसे इन्वर्टर क्या होता है, जैसे मान लो ये इन्वर्टर है, मान लिया एक बार, तो ये क्या है, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं। इससे मान लो कि हमने कोई एक स्पीकर चलाया कोई भी, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये साउंड में बदल दिया। तो देखो एक बार, इस बैटरी ने क्या किया, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इस विद्युत ने क्या किया, इस साउंड को चलाया, तो विद्युत ऊर्जा फिर साउंड, साउंड का मतलब क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा। दूसरा, इस बैटरी से हमको पता है गाड़ियों के अंदर जो इंजन होता है उसमें भी बैटरी वगैरह लगी होती है, तो ये क्या होता है, आपने देखा होगा ये यहाँ पर बाइक वगैरह में आपने देखा होगा, जो स्पार्क वगैरह करने के लिए बाइक स्टार्ट करते हैं तो एक स्पार्क होता है यहाँ पे, तो वो भी कैसे होता है, वो भी बैटरी की वजह से होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इलेक्ट्रिसिटी दी, उसकी वजह से क्या हो गया, स्पार्क हुआ, स्पार्क की वजह से थर्मल हुआ, उष्मा मिली, उससे फिर गाड़ी चली। तो देखो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी में। दूसरा, इस केमिकल एनर्जी से हमने क्या किया कि इसे विद्युत मिली, और विद्युत से हमने क्या किया, इसकी लाइट जलाई, और ये जो लाइट जली हेड लाइट, और लाइट कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, ठीक है ना बच्चों। इस तरह से हमको एक से दूसरे को कनेक्ट करना आना चाहिए, अगर हमने कनेक्ट करना सीख लिया तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलो अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, देखो इधर देखो, प्रकाश, प्रकाश रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब देखो, मैंने यहाँ पे दो ले रखा, ये पहला है और ये दूसरा है। इसका मतलब क्या होता है, प्रकाश हमको देता है एनर्जी और हम एनर्जी वापस प्रकाश में दे देते हैं। चलो इसको आप पहला मान लो, अगर आपको थोड़ा और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसको आप पहला लो। ये आपने पहला मान लिया और ये आपने दूसरा मान लिया। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश से हमको कौन कौन सी ऊर्जा मिलती है। जैसे ये लाइट है, ये लाइट हमको कौन कौन सी ऊर्जा देती है, जैसे थर्मल एनर्जी, जैसे आपने देखा होगा सोलर सेल, देखा होगा सोलर हीटिंग, पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, है ना, तो सोलर हीटर देखे होंगे, तो वो क्या देता है हमको, उष्मा ऊर्जा देती है। इसका मतलब लाइट से हमको उष्मा मिलती है, उष्मा ऊर्जा, मैं लिख रहा हूँ उष्मा ऊर्जा, ठीक है। दूसरा, लाइट से हमको क्या मिलती है, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा मिलती है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा। और तीसरा, रासायनिक ऊर्जा मिलती है हमको केमिकल, देखो फोटोसिंथेसिस भोजन बनाता है, प्रकाश की मदद से पौधे भोजन बनाते हैं, प्रकाश है ना, सोलर वाटर है ना, स्प्लिटिंग, मतलब आप ध्यान क्या रखना है कि रासायनिक ऊर्जा मिलती है, रासायनिक ऊर्जा। देखो एनर्जी कंजर्वेशन का या एनर्जी ट्रांसफर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रकाश से हमको क्या मिला, उष्मा ऊर्जा मिली, विद्युत ऊर्जा मिली और रासायनिक ऊर्जा मिली। अब देखो हमने तो ले ली एनर्जी, ली हमने प्रकाश से, अब हमको देनी भी तो है एनर्जी को, हमने क्या बोला, न तो नष्ट होती है न ही प्रोड्यूस होती है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है, रूपांतरण होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जब आपने उष्मा ऊर्जा ली तो उष्मा वापस प्रकाश में देगी। जैसे ये देखो, ये उष्मा है, उष्मा ऊर्जा है, ये वापस प्रकाश में बदलेगी। देखो जैसे होट बॉडीज है, टंगस्टन है, आप देखा होगा टंगस्टन, जैसे आपने विद्युत बल्ब में या और में देखा होगा टंगस्टन है, गर्म होता है, गर्म होके आप देखा होगा कि एकदम जब किसी वस्तु को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो वो लाइट देने लग जाती है। तो ध्यान रखना उष्मा से क्या होता है, प्रकाश मिलता है, ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा, हमने लाइट से इलेक्ट्रिसिटी तो ली, इलेक्ट्रिसिटी से वापस भी लाइट देते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए एलईडी हो गया, लेजर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, उसमें क्या मिलता है, हमने विद्युत, और वो विद्युत को वापस किस में दिया, लाइट में। देखो यहाँ से एनर्जी ले रहे हैं तो यहाँ पर वापस लाइट में एनर्जी दे रहे हैं। केमिकल, प्रकाश से खाना बनाया हमने, फोटोसिंथेसिस हुआ, भोजन बना, रासायनिक ऊर्जा मिली, ये रासायनिक ऊर्जा वापस प्रकाश में बदलती है, ध्यान रखना, जैसे विद्युत ऊर्जा बदली थी ना, तो ध्यान रखना रासायनिक ऊर्जा वापस प्रकाश में बदलती है। जैसे जुगनू हो गया, जुगनू क्या करता है ना, ग्लो ग्लोब आर्म्स है, डीप सी फिश है, बहुत
गहरा अगर अपन देखते हैं कि समुद्र में गहरी जो मछली है वहां पर देखो चमकती है वो लाइट है ना, लाइट इमिट करती है कुछ, है ना, और केमिलुमिनिसेंट जो लाइट स्टिक है। तो ऐसे क्या होता है कि ध्यान रखना बच्चों, रासायनिक ऊर्जा वापस प्रकाश, देखो जुगनू ने क्या किया, जुगनू के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उसे प्रकाश मिला, प्रकाश से रासायनिक और रासायनिक से प्रकाश, प्रकाश से ऊष्मा, ऊष्मा से वापस प्रकाश, विद्युत, प्रकाश से विद्युत और विद्युत से वापस प्रकाश। तो इसी को हमने, अगर इसमें अगर आपको समझ में आ गया तो इसी को हमने क्या बोल दिया, ऊर्जा रूपांतरण, या बोल दो ऊर्जा संरक्षण। बच्चों यही है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब यही है, ठीक है। तो आपको कितने एग्जाम्पल हो गए देख लो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हो चुके होंगे, जितने आपको बुक्स में एग्जाम्पल मिलते हैं उतने तो हमने लाइट के एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का भी देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी से आपने गर्म किया होता है, हम देखा होगा कि उसके अंधेगा की जो इलेक्ट्रिक केतली आती है वो आती है, तो उसमें क्या होता है विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी, और उस इलेक्ट्रिक केतली में क्या बनती है, उष्मा बढ़ती है, तभी तो पानी गर्म होता है। इलेक्ट्रिक केतली होगी और होगी, तो ये क्या हो गया विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो गई, उष्मा ऊर्जा में, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान रखना, जहां पर भी वायर आ जाए, जहां पर भी वायर आ जाए तो वहां पर आप आंखें बंद करके वायर अगर आ जाए तो आप विद्युत ऊर्जा कर देना बच्चों, ठीक है। अगर कई बच्चे पूछते हैं सर आपको कैसे पता लगे कि यहाँ विद्युत ऊर्जा है यहाँ पे, ये जहां पर भी प्लग आ जाए, वायर आ जाए, क्योंकि वायर के थ्रू हमेशा और हमेशा कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा। जैसे लाइट है, तो लाइट में क्या होता है, लाइट देखो अगर बल्ब में क्या होता है, सॉरी तो बल्ब में क्या होता है, लाइट भी होती है, प्रकाश मिलता है और हीट भी मिलती है, तो दोनों हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, प्रकाश प्लस ऊष्मा ऊर्जा, ठीक है बच्चा। दूसरा, जैसे आपने कोई स्पीकर बजा रहे हो, ठीक है, स्पीकर बजा रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, तो वहां पर लाइट भी मिलती है, हीट भी मिलती है, साउंड में तीनों मिलता है, ठीक है। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि हीट भी प्रोड्यूस होती है। चलो अब देखा होगा मिक्सी में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का हीट भी मिलेगी, साउंड भी मिलेगा और मोमेंट भी होगा, ये तीनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बोले तो आप यहाँ पर अगर केवल एक बोले तो यांत्रिक ऊर्जा करके आओगे, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा एनर्जी कंजर्वेशन का पूरा चैप्टर हुआ है, और भी खूब एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये पूछ ले, कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, पूछ ले सितार, गिटार, इसमें क्या होगा, इसमें पता है कि हम देखो तार अपने आप नहीं बजेगा, तार को बजाने के लिए हमको थोड़ा वहां पर दबाना पड़ेगा वायर को, सितार का जो स्ट्रिंग है, जो वायर है जो ये तार है, तो उसको दबाना पड़ेगा, इसलिए मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा, हमने दबाया ना इसको, हमने हमने काम किया, और यांत्रिक ऊर्जा किस में हो गई, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, सितार हो गया, और खूब एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पर, तो मैंने ऊपर आपको खूब एग्जाम्पल बता चुका हूँ मैं आपको। जैसे पंखा है, पंखे में क्या होता है, आपको बताया कि जहां पर वायर है ना, वायर लगा, तो वायर का मतलब क्या हो गया, विद्युत ऊर्जा, और ये पंखा चला, चला मतलब काम किया, इसने मूवमेंट हुआ, इसका मतलब इसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है बच्चों। चलो अगर आपको ये पूछ ले कि साइकिल, साइकिल में कौन सी ऊर्जा होती है, देखो बच्चों साइकिल चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति को मतलब काम करना पड़ेगा, मूवमेंट करेगा, पांव का मूवमेंट होगा, इसका मतलब वो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है बच्चों। अब पांव का मूवमेंट होने पर यांत्रिक ऊर्जा हुई, और पांव का मूवमेंट करने पर जो पेडल लगाने पर साइकिल आगे बढ़ी, मतलब साइकिल भी क्या करने लगी, काम करने लगी, तो साइकिल भी कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। तो साइकिल में यांत्रिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में ही रूपांतरण होता है, तो एक ऊर्जा का उसी ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यांत्रिक ऊर्जा ही है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, बाइक में क्या हो जाएगा, मोटरसाइकिल में, मोटरसाइकिल में देखो एक बार, अब इसमें देख लो, कार देख लो, मोटरसाइकिल देख लो, अगर इस तरह से आ जाए तो क्या करोगे, इसमें इसमें आपको करना है बच्चों कि आपने कार में मोटरसाइकिल में क्या भराया, पेट्रोल भराया, ईंधन भराया, मतलब कौन सी ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा। और वो अब देखो
कार मोटरसाइकिल पेट्रोल भरवाने के बाद, ईंधन भरवाने के बाद क्या होगी, चलने लग गई, इसका मतलब काम करने लग गया, मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर। बच्चों आप एक बात और भी देख सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी देखो आप, और आपने जितने एग्जाम्पल देखे होंगे सब में कहीं ना कहीं देखो, एक बार आपने कार में पेट्रोल भरवाया तो रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा किसका प्रकार होती है, स्थितिज ऊर्जा का। यांत्रिक ऊर्जा किसका प्रकार था, गतिज ऊर्जा। अगर ये ऑप्शन में नहीं आए यांत्रिक और ये रासायनिक, तो आप ये कर सकते हो एग्जाम में, स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, तो ये भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर हमने ऊर्जा संरक्षण का आज पूरा वीडियो देखा है। नेक्स्ट वीडियो है वो है इसका, आपके एक यहाँ पर सिलेबस में दे रखा है कि परंपरागत और गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, एनर्जी सोर्स, तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका परंपरागत ऊर्जा सोर्स, ऊर्जा स्रोत, और उससे नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, उससे अगला लेक्चर रहेगा आपका यहाँ पर गैर परंपरागत एनर्जी सोर्स। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यदि आपको पसंद आ रहा है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप पढ़ाई करते रहो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, अगर कोई सजेशन है तो आप सजेशन भी दे सकते हो कि सर हमको ये आप इस तरह से पढ़ाओ तो हमको ज़्यादा पसंद आएगा। और अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा आपको, इसके जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उनके, तो वो जरूर आप इस पर बने रहे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।